सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज मैं आपको पार्ट 3 सेहत और सावधानी के बारे में बताऊंगी। उससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी में यह बताया गया है कि केवल स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का सुख प्राप्त कर सकता है तथा बीमार व्यक्ति एक सजा की तरह अपना जीवन काटता है, उसके बारे में बताता है। सदा स्वस्थ रहने के लिए क्या नियम है, उसके बारे में आइए हम जानते हैं। पार्ट 3 सेहत और सावधानी। जीवन का सुख केवल स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है। रोगी तो जीवन को एक सजा की तरह काटता है। सदा स्वस्थ रहने के क्या नियम है, आइए जानिए। मैंने बताया था ना, एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का सुख प्राप्त कर सकता है। रोगी व्यक्ति एक सजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। मानव शरीर प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसके द्वारा हम संसार की सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हैं। घूम फिर सकते हैं, मधुर गीत सुन सकते हैं, स्वादिष्ट वस्तुएं खा पी सकते हैं, किंतु हमें इसे स्वस्थ रखने का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है, मानव शरीर प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसके द्वारा हम संसार की सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं और अच्छी अच्छी चीजों का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहने से क्या है, हम अच्छा चीज खा सकते हैं, कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं स्वस्थ रहने। अगर बीमार होंगे तो हम कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आप लोग तो जानते हैं, अगर जरा सा भी आपको तबीयत खराब होता है तो आप कहीं जा सकते हो क्या? कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। उचित खान पान, आहार विहार व व्यायाम द्वारा हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब है, हम अच्छे से खाना पीना खाकर, आहार लेकर, व्यायाम करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किंतु प्रायः आलस और लापरवाही के कारण हम रोगी हो जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ आलसी करते हैं तो एक सुस्त, फिर कुछ खाने का इच्छा नहीं होता है। देखियो, कभी कभी आप लोग स्कूल जाते हो तो लिखने की इच्छा ही नहीं होती, उसको बोलते हैं आलस, है ना। और आलस करने से हम लोग क्या है, बच्चे आगे बढ़ जाते, लिखने में हम लोग पीछे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे जिन दांतों से मीठी रसीली व स्वादिष्ट वस्तुओं का आनंद हम लेते हैं, प्रायः उन्हें भली प्रकार स्वच्छ नहीं रखते हैं। ठीक है, प्रातः हम कहने मात्र को ब्रश करते हैं, किंतु इससे भली प्रकार हर दांत के कोने कोने से कीटाणु निकालने की प्रक्रिया को उचित रीति से नहीं करते हैं। आप लोगों को पता होगा, कुछ बच्चे लोग कैसे करते हैं, ब्रश करने बोलते हैं मम्मी पापा लोग, तुरंत ऐसा बस थोड़ा सा ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, देखो आप लोग का टीथ, आप लोग का यंत्र जो दांत रहता है वो पीले पीले टाइप में दिखते रहता है। आगे पढ़ते हैं, किंतु इससे भली प्रकार हर दांत के कोने कोने से कीटाणु निकालने की प्रक्रिया को उचित रीति से नहीं करते, फलस्वरूप दांतों में धीरे धीरे सड़न व बदबू पनप जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा, कोई बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो उनके मुंह से कितना बास आता है, स्मेल आता है ना। तो इसीलिए जब आप लोग दांत को अच्छे से साफ नहीं करोगे ना, तो सड़न और बदबू आने लग जाता है और अंत में दंत क्षय हो जाता है। रात्रि में भी दांत साफ न करके प्रायः एक बार कुल्ला ही कर लिया जाता है। ठीक है, अगर दांत, अगर आप लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं तो आपको एक बार कुल्ला भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिए, रात में सोने के पहले हमेशा दांत साफ करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इसका बुरा परिणाम भी
हम प्रायः भुगतते हैं। असहनीय दर्द के रूप में वास्तव में यह हमारे ही आलस्य और लापरवाही का परिणाम है। इसी तरह लगभग सारे दिन टीवी के सामने कभी पढ़ने की कुर्सी पर हम बैठे रहते हैं। व्यायाम की आवश्यकता को भूलते ही हम मोटापे और अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अपने आवश्यक कार्य जैसे बिस्तर बिछाना, कमरा साफ करना, कपड़े व्यवस्थित करना आदि भी नौकर चाकर या घर के अन्य सदस्यों से करवा लेते हैं, जो हमें सुस्त और रोगी बनाने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि अपना बिस्तर भी खुद नहीं उठाते हैं। ठीक है, ये एक बीमार होने के लक्षण है ना, आलस बोलते हैं इसको। आलस से मतलब हमारे शरीर में अगर आ गया तो हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं, बस आप बोलोगे कि मम्मी ये कर दो, पापा ये कर दो, बस ये आलस से होता है। ठीक है, शारीरिक श्रम का अभाव बीमारियों को निमंत्रण देता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, शारीरिक श्रम मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं होती है तो अपने आप को बीमार करने के लिए आप सोचते रहते हैं। सॉरी, यह तो रही खान पान व आलस्य की बात, किंतु इसके अतिरिक्त हमारे विचार भी सेहत पर बहुत असर डालने हैं, डालते हैं। हमारी चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा आदि हमें रोगी बना देते हैं। अतः अपने मन को सुंदर विचारों से ओतप्रोत रखना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमारी चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा आदि भी हमें रोगी बना सकती है। हम जैसे कुछ किसी से चिड़ गुस्सा करते हैं तो ये हमारे एक रोग बनाने की लक्षण है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखिए इधर। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, निराश को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर मुश्किल को आत्मविश्वास के सहारे आसान किया जा सकता है। इसके अनेक उदाहरण हमें अपने आसपास और इतिहास में मिल जाते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से आशावादी यानी क्या होते हैं, अच्छे की उम्मीद करने वाला, नवयुवकों ने आजादी हासिल की। अनेक असफल प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों ने महान खोजें की। विज्ञान की सारी उन्नति इसका सबूत है। जीवन इतना महान है कि इसके सम्मुख हर कठिनाइयां छोटी है। अतः जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका जीवन अच्छा नहीं रहेगा, है ना। और जो स्वस्थ व्यक्ति है वही जीवन का सुख ले सकता है, अन्यथा रोगी व्यक्ति जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए बेटे आप लोगों को समझाया जाता है कि आप लोग अच्छा चीज खाइए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से ब्रश कीजिए। आप लोग को क्यों बोलते हैं, आप लोग को अच्छे से स्वस्थ रहने के लिए बोला जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को नेक्स्ट में आपको क्लास वर्क दूंगी, शब्दार्थ श्रुति लेख। और सही यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है, फर्स्ट सही विकल्प का निशान लगाइए। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। थैंक यू, टुडेज वर्क कंप्लीट।